रही है, दिमाग में बहुत सारे थॉट आते रहते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइज, आप सभी का हमारे नए व्लॉग में स्वागत है। आज हमें ज़रूरी दो काम करने हैं, एक तो अपनी बाइक के सर्विस सेंटर में उसे पिकअप करना है, छोटा मोटा जो काम था वो चेक करना है ठीक से हुआ है नहीं। उसके बाद बाइक लेके हमें एक बंदे के पास जाना है, वहाँ से हमें लेने पैनियर्स और टॉप बॉक्स। शायद से वो बंदे के पास जाना नहीं पड़ेगा, वो टाइगर के शॉप में भी आ सकता है। अगर वो टाइगर के शॉप में आते तो हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा। तो आज अपनी गाड़ी पे पैनियर टॉप बॉक्स भी लग जाएंगे और अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर से भी आ जाएगी। उसके बाद मुझे डिटेलिंग के लिए वगैरह गाड़ी देनी है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ बिकॉज अभी अगर बाहर का आप वेदर देखोगे तो मुंबई में वेदर बहुत अजीब चालू है। पिछले 4-5 दिनों से मुंबई में घमासान बारिश चालू है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि ये बारिश का चक्कर थोड़ा स्लो हो जाए, उसके बाद मैं डिटेलिंग के लिए दूंगा। ये डिटेलिंग के बारे में, ये सिरेमिक कोटिंग के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। ये पहली बार मैं अपने लाइफ में किसी गाड़ी को मैं डिटेलिंग या सिरेमिक कोटिंग करने जा रहा हूँ। इससे पहले जितनी बाइक मेरे पास होके गई है, मेरी कार, ये सबको मैंने कभी भी, मतलब कभी दिमाग में भी नहीं आया डिटेलिंग करना चाहिए। लेकिन अभी मैं एक्सपर्ट से जितनी राय सुन रहा हूँ उनके मुताबिक साल में एक बार बाइक को, कार को डिटेलिंग होना चाहिए, एक बार कोटिंग करना चाहिए अगर आपके पास वो लंबे समय तक रहने वाली है। ये अपना हीरो 9, ये मेरा सेटअप जो मैं हेलमेट पे लगाता हूँ। एक पंगा है, जब इसका लॉक लगता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसे मैं ऐसे लॉक करूँगा, एंड में जब ये लॉक होता है तो ये छोटा है, तो मुझे इसे ना एक्सटेंशन लगाना है ताकि मैं इसे आराम से यूज़ कर पाऊँ। बिकॉज अब ये लॉक लग गया, निकालते समय मुझे बहुत तकलीफ होगा। ये देखो, ये लॉक लग गया, अभी निकालते समय मुझे ये ठीक से निकालने आता नहीं है बिकॉज इसे ग्रिप नहीं है पीछे। तो मुझे ऐसा कुछ करना है कि इसे ग्रिप भी मिले। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है, आजकल हर चीज़ का तोड़ अपने एमसील से ही हो जाता है, तो मेरे दिमाग में भी एमसील है। एमसील लगा के उसे थोड़ा मैं एक्सटेंशन करूँ या फिर अलग कुछ करने का सोच रहा हूँ, तो वो लॉक थोड़ा आसान से यूज़ कर पाऊँ। बिकॉज लद्दाख राइड में सबसे बड़ा पंगा हुआ था, ठंडी से हाथ में जान नहीं बचती थी और वो हाथ लेके मैं वो लॉक खोलने की कोशिश करता था जो खुलता नहीं था। फाइनली मेरे घर का इंटीरियर का फाइनल हो चुका है और मैं 1-1.5 महीने में उसे करने के लिए लूँगा बिकॉज मुझे सेटअप करना बहुत ज़रूरी। तो अभी मैंने एक छोटा सा चेंज किया, उससे उस छोटे से चेंज से भी बहुत चीज़ें चेंज हुई है। यहाँ पे पहले अपना ऑफिस सेटअप था, यहाँ पे बैठ के मैं अपने व्लॉग वगैरह एडिट करता था, तो ये यहाँ से हटा के मैंने इसे डाला है यहाँ पे। तो ये प्रैक्टिकली ये बहुत सही है और फ्यूचर में भी मैं यहाँ पे ही करूँगा बिकॉज यहाँ पे मैं आराम से बैठ सकता हूँ, मुझे कभी भी कुछ भी चाहिए तो फटाफट यहाँ वहाँ से मैं उठा सकता हूँ। ये प्लेस मुझे अच्छी लग रही है, आगे से आपका भाई यहाँ पे ही काम करेगा। सितंबर का मंथ चालू है और सितंबर में ये हालत, आजकल बारिश कुछ ज़्यादा ही आ रही है और न्यूज़ पे भी बता रहे हैं कि आने वाले 2-4 दिनों में और ज़्यादा बारिश रहेगी। अभी मुझे सर्विस सेंटर तो मैं कैब से निकल जाऊँगा, लेकिन आते समय मुझे बाइक लेके आना है, बारिश नहीं आनी चाहिए। बारिश में बाइक चलाने मज़ा बहुत आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ से वहाँ बिना भीगे जाए तो कार यूज़ करनी चाहिए। लेकिन अगर मुंबई के ट्रैफिक को देखते हुए हम लोग सोचे तो कार नहीं यूज़ करनी चाहिए, लेकिन अभी अपने प्रॉब्लम में और एक इजाफा हुआ है, टाइगर को भी मैं ट्रैफिक में नहीं घुमा सकता। यहाँ का काम ख़त्म करके 1 घंटा हुआ है, 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ बारिश रुकने का। उसका कारण है आज आपके भाई ने रेनकोट लाया नहीं था। यहाँ पे सब सामान लगा दिया है, इसमें अपनी पुरानी लाइट, हॉर्न, सारी छोटी मोटी चीज़ें डाल के रखी है। अभी यहाँ से हमें भागना है पवई। अच्छा, उससे पहले फ्यूल डालना पड़ेगा। से मेरे पास टाइगर आई है तब से आज तक मुझे ये गाड़ी दिल खोल के चलाने नहीं मिली। अगर मुझे इसे दिल खोल के चलाना है तो मुझे इसे मुंबई से बाहर ही लेके जाना पड़ेगा। अभी जिस एरिया में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ वहाँ पे वर्स्ट में से वर्स्ट ट्रैफिक मिलने वाला है। पहले मैंने डिसाइड किया था हम लोग ये वीक में एक छोटा तो राइड करेंगे, लेकिन गाड़ी की चीज़ें भी सेट करना ज़रूरी था। अभी तक 100% सेट नहीं हुई है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे अभी भी सेट करनी है। आज टॉप बॉक्स पैनियर्स लगने के बाद मुझे फिर गाड़ी चेक करना पड़ेगा, लेकिन एक बात बोलता हूँ, गाड़ी जो अभी मक्खन हुई है, चलाने में जो मज़ा आ रहा है, ट्रैफिक में चला रहा हूँ तो भी मज़ा आ रहा है। होय 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 होय, आहा, वो
बहुत सारी चीज़ें आपके टायर पे भी डिपेंड होती है। जब से मैंने लद्दाख किया है और मैंने ये मैटजिलर टूरंस चलाया है, तब से मैं मैटजिलर टूरंस का फैन हूँ। और इसका जो वेट ग्रीप है, वेट कंडीशन में इसका जो ग्रीप है, क्या ही कहे। अब यहाँ से मैं लेफ्ट मारूंगा, ये लगेगा JVLR, जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड, और ये रास्ता हेल है, मतलब अभी के टाइम पे। ओ भाई साहब, नहीं जाने दिया, बाहर निकलना बेहतर रहेगा। टाइगर पे एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, दिखती हेवी है लेकिन बहुत निम्बल है, फटाफट निकल जाती है। वाटर क्रॉसिंग लद्दाख वाला, ये देखो सेकंड वाटर क्रॉसिंग, ये छोटा है, पिछला बड़ा था। हमने जो गाड़ी जा रही है इसमें है गणपति बप्पा। एक जमाना था बड़े बड़े गणपति बप्पा की मूर्ति रोड पे निकलती थी, गणपति बप्पा मोरिया। आगे खुला रास्ता है, जगह छोड़ो, गाड़ी ठंडी करनी है। ये सही है, ट्रैफिक में कितनी भी गर्म हो जाए, 2 मिनट भगाओ यू ठंडी हो जाती है। A few moments later. जिंदगी में पहली बार आपका भाई विद पैनियर्स गाड़ी चला रहा है। सच बोलूं तो बहुत अजीब लग रहा है, ट्रैफिक के टाइम पे मैं पैनियर्स लेके घूम रहा हूँ। कुछ टाइम पहले मेरे दिमाग में आया था मैं पवई में टाइगर के पास अपने पैनियर्स रख दूँ, सिर्फ टॉप बॉक्स लगा के गाड़ी चलाओ। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो सिर्फ टॉप बॉक्स लगा के गाड़ी चलाओ। टाइगर ने बोला ट्रैफिक में आदत डाल, और अभी जजमेंट से गाड़ी चला रहा हूँ। मुझे दिमाग में फिट करके रखना पड़ रहा है, मेरे राइट हैंड साइड, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में गाड़ी थोड़ा मेरा बाहर है। स्पीड में या बैलेंस करने में इतना दिक्कत नहीं हो रहा है, हल्के पैनियर्स है, मतलब अभी तक उसमें कुछ डाला नहीं है, खाली है, लेकिन जब उसमें सामान आएगा तब थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज भागम भाग इतनी ज़्यादा हो रही है, मैंने आपको ठीक से पैनियर के साथ गाड़ी भी नहीं दिखाया, अभी पार्किंग लॉट में थोड़ा दिखाऊंगा। डिस्टेंस कुछ ज़्यादा नहीं था, डिस्टेंस अगर प्रैक्टिकली देखने जाए तो मैं वो आधे घंटे में कवर कर लेता हूँ, लेकिन अभी आते समय सब साइड से आपके भाई की बैंड बजी। एक तो ट्रैफिक हेवी लगा, ट्रैफिक में पैनियर्स के साथ बाइक निकालते निकालते बैंड बजी, हालत देखो पूरा भीग चुका हूँ, हेवी बारिश लगी। जैसे मैंने सुबह आपसे कहा था मैं रेनकोट लेके बाहर नहीं निकला था, इतना भीग चुका हूँ ना, पानी टपक रहा है। आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा हुआ है, यहाँ पे रुकते हैं। अगर आपको किसी भी कारण से ये ब्लॉग पसंद आ रहा है, अपनी टाइगर पसंद आ रही है, तो ये चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।